subscribe my YouTube channel Technical Worlds King. हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन जी राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड किंग। दोस्तों, आज के बीच इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे खास एप्लीकेशन के बारे में जो कि हमारा एक अच्छा टीचर्स होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो एप्लीकेशन कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर टाइप करना होगा ग्रेड अप। टाइप करने के बाद में दोस्तों, ये एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। इस पर हम लोगों को क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, फ्री मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप लोग जो हाई से हाई एग्ज़ाम्स दे सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों, किस तरह से देंगे और किस तरह से इसमें क्लासेस चलेंगी, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जितनी क्लासेस चलेंगी उतनी सब लाइव चलेंगी, आप लोग लाइव देख सकेंगे। ये काफ़ी अच्छा जो है एप्लीकेशन है और ये दोस्तों काफ़ी लोग जो है यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। उसके बाद में यहां पे 4.6 की रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यहां पे जो है इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। सो दोस्तों, मोबाइल को होम स्क्रीन पे आने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे ग्रेड अप एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा व्हिच एग्ज़ाम आर योर प्रिपेरन। तो यहाँ पे जो है अपना जो है मनचाहा एग्ज़ाम चूज कर लेना होगा। आप लोग यहाँ पे अपने एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो है सारे एग्ज़ाम की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। जो लिस्ट नहीं है वो आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में टाइप कर लेंगे, उसके बाद में आ जाएगा और सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें जो करना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग आएंगे यूपीएससी एंड स्टेट पे क्लिक करेंगे। मुझे जो है यूपीएससी स्टेट का एग्ज़ाम देना है तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं सीटेट का है, सीटेट टीचिंग का है। उसके बाद में यहाँ पर डिफेंस एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम की लिस्ट दी हुई है, मैं एक एक करके बताऊँगा तो काफ़ी जो है लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं वीडियो लंबा करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, यहाँ पे यूपीएससी एंड स्टेट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को इंटर योर मोबाइल नंबर, अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना होगा। मोबाइल नंबर अपना यूज इंटर करने के बाद में दोस्तों, आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ओटीपी डालने को आएगा। आप लोग ओटीपी आ जाएगी मोबाइल में आपके और ये खुद से जो है एक्सेस कर लेगा। उसके बाद में वेरीफाई भी कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पे वेलकम टू ग्रेड अप की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा मिल जाएगा टेल अस अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पर जो है आपको इसके अपने बारे में जो है इसको बता देना होगा। अपना नाम यहाँ पर आप लोग डालेंगे तो मैं डाल देता हूँ। आप लोग भी जान रहे हैं मेरा नाम, और शायद ये नहीं जानना है फिर भी इसको बता देते हैं भाई। ये मैंने अपना नाम बता दिया। उसके बाद में जो है आप लोग यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ पर वेरीफाई और ईमेल पे मिल जाएगा। यहाँ पर तो आप लोगों को वेरीफाई और ईमेल यहाँ पे लिखा मिलेगा वेरिफिकेशन मेल ऑन दिस ईमेल एड्रेस। हम आपको इस वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजेंगे आपकी इस ईमेल एड्रेस पर। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, किससे भेजेगा यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है ओपन ईमेल ऐप पे क्लिक करेंगे और आपका ईमेल ऐप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों को अपना जो है ईमेल ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो है आ जाना होगा अपनी ईमेल में। तो ईमेल में हम लोग जब आएंगे तो ईमेल में हम लोगों को मिलेगा एक ईमेल रिक्वेस्ट फॉर ईमेल वेरिफिकेशन।
ऐसा मिलेगा देखने को। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल करके आ जाना होगा। यहाँ पे लिखा मिल जाएगा हाय किशन जी, आज टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस प्लीज टैप ऑन द बटन बिलो। अपना जो है ईमेल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे नीचे ही बटन पे टाइप करिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल। इसे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोगों का ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपना ईमेल वेरीफाई करने के बाद में फिर से रिडायरेक्ट हो गया हूँ अपने ग्रेडअप एप्लीकेशन में। ग्रेडअप एप्लीकेशन में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मेनू दिखाई देंगे। आप लोग जो है अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख सकते हैं कि इसको किस तरह से यूज करना होगा और कौन कौन से ऑप्शन किस काम आएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर से यहाँ पे थ्री लाइन्स दिख जाएगी, थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अपना प्रोफाइल मिल जाएगा। प्रोफाइल में अगर आप लोग कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और चेंज कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है माई सेवेड नोट्स। अगर आप लोग जो है अपने कोई फेवरेट नोट्स को यहाँ पे सेव करते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद माई डाउनलोडेड मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने कोई भी नोट डाउनलोड किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे आकर के इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद माई परचेज पे आप लोग अपने जो है यहाँ पे प्री कोर्स भी मिलेंगे। अगर आप लोग उनको परचेज करना चाहेंगे तो परचेज कर लेंगे। और परचेज करने के बाद में दोस्तों वो कहाँ गए हैं, कहाँ से दिखाई देंगे तो आप लोग इस ऑप्शन पे आकर के उसको देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों पॉइंट्स बैलेंस मिलेंगे। आप लोग इस पे जब पढ़ेंगे उसके बाद में इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स बैलेंस भी मिलेंगे। इसकी मदद से आप लोग जो है अपने प्री कोर्स को जो है बाई कर सकेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस पे क्लिक करके अपने पॉइंट्स बैलेंस को देख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों को वाउचर मिलेगा तो आप लोग जो है इस पे क्लिक करके अपने वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद में माई एग्ज़ाम परफॉर्मेंस परफरेंस, तो आप लोग यहाँ पे जो है अपने एग्ज़ाम के जो है परफरेंस को देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई सेटिंग करना चाहते हो तो आप लोग सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। नाइट मोड वाले ऑप्शन को अगर आप लोग इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल में नाइट मोड इनेबल हो जाएगा, जो कि अक्सर हम लोग रात में करते हैं और मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर हमेशा करके रहता हूँ। तो आप लोगों को अगर पसंद आया तो इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को हेल्प एंड फीडबैक का। अगर आप लोग जो है कोई फीडबैक देना चाहते हैं, यानी कि अपना अगर कोई विचार देना चाहते हैं इस ग्रेडअप एप्लीकेशन के बारे में, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और ग्रेडअप टीम को जो है आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग अगर कोई हेल्प चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके हेल्प भी ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इन्वाइट एंड अर्न। अगर आप लोग अपने दोस्तों को इस एप्लीकेशन से इन्वाइट करते हैं तो आप लोग अर्निंग भी कर सकेंगे दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। सो दोस्तों यहाँ पे जो है ये थ्री लाइंस का फंडा क्लियर हुआ। इसमें क्या था, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना कर लेना होगा। यहाँ पे आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है कौन से एग्ज़ाम को जो है सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में और अधिक एग्ज़ाम को अगर आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड मोर पर क्लिक करेंगे और जो है उन एग्ज़ाम को जो है ऐड कर सकेंगे दोस्तों। इसे हम लोग कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग जिस टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड तो इस पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन बेल दिखाई दे रही है दोस्तों, तो इस नोटिफिकेशन बेल में जो है जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट लिखा आएगा, 1 2 3 4 5। कोई अगर नई नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डेली क्लासेस का जो है यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। जो क्लासेस डेली चलाई जाती हैं वो यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिखाई देंगी। आप लोग यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद में डेली क्लासेस को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेली क्विज है, डेली क्विज जितनी आती है यहाँ पे डेली क्विज दिखाई देगी आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सिंपली नोट्स एंड पीडीएफ का। दोस्तों इसमें जितने भी नोट्स दिए गए हैं वो सब पीडीएफ में दिए गए हैं, तो नोट और पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिलता है प्रीवियस पेपर्स, यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी जो है एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर जो थे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे दोस्तों। यानी कि ये होता है प्रीवियस पेपर्स, यानी कि पिछले पेपर्स। इस पर क्लिक करके आप लोग जो है यूपीएससी के या अपने सिलेक्टेड एग्ज़ाम के जो है प्रीवियस पेपर्स को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगा प्रैक्टिस,
अगर आप लोग खुद से अभ्यास करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके खुद से जो है अभ्यास कर सकेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को डेली क्लासेस। डेली क्लासेस पे यहाँ सामने मिल जाएगा व्यू ऑल्स, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले फ्री क्लासेस, यानी कि जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी सब एकदम फ्री होंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा अपकमिंग लाइव क्लासेस, यानी कि जो लाइव क्लासेस अभी आ रही हैं वो यहाँ पे आप लोग व्यू ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हमारी और किस टाइप किस टॉपिक पे जो है आ रही हैं, तो आप लोग इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा लाइव क्लासेस कैलेंडर। लाइव क्लासेस जो है किस डेट को आएंगी, किस मंथ में आएंगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को हल्का जो है छोटा बहुत लिखा दिखाई दे रहा होगा 25 मई 2020 1 PM, यानी कि रात को 1 बजे, सॉरी दिन में 1 बजे जो है 25 तारीख को 2020 में क्या मिलेगा, AIIM UPSC IFFO। तो इसके बारे में जो है क्लासेस आने वाली हैं लाइव, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जब ये क्लास स्टार्ट हो तो मुझे नोटिफिकेशन आए, तो आप लोग ये जो है यहाँ पे रिमाइंड मी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये देखिए हाईलाइट हो गया, डार्क हो गया, सॉरी लाइट हो गया क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब जो भी यहाँ पे स्टार्ट होगा, जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी और मैं बिना क्लास को मिस किए हुए उसमें शामिल हो सकूँगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है प्रखर UPSC EPFO। ये क्लास आएगी दोस्तों कितने बजे, ये 25 मई 2020 को आएगी 5 बजे शाम को, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी मैं रिमाइंड मी पे करके रखता हूँ, इस पर देखिए मैंने रिमाइंड मी कर लिया, और जो सर पढ़ाएंगे उस सर का यहाँ पे जो है आप लोगों को पिक दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे रिमाइंड सेट करके भी रख सकते हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है इसमें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा रिसेंट क्लासेस, यानी कि जो क्लासेस अभी रिसेंटली यानी कि हाल ही में चल चुकी हैं वो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है अभी चली थी क्लास 23 मई को 2020 को 10 बजे सुबह, तो जो रिसेंट क्लास आप लोग अगर मिस कर चुके हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके जो है मिस क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरह से बहुत सारी क्लासेस की लिस्ट दिखाई देगी, और यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लासेस अभी रिसेंटली जो है चल चुकी हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से स्क्रॉल करके आएंगे और सारे क्लासेस को देख सकते हैं, और जिन जिन सर ने जो है इसको चलाया है तो उन सर का यहाँ पे फ़ोटो भी दिखाई देगा दोस्तों, पिक दिखाई देगा, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं बैक। बैक आने के बाद में हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर डेली क्लासेस के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यू क्लासेस, यहाँ पे आप लोग जो है क्लासेस अपनी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे व्यू क्लासेस पे। व्यू क्लासेस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो सीरीज। वीडियो सीरीज वाले सेक्शन में जो है आप लोगों को जो है वीडियो मिलेंगे, सारी क्लासेस जो मिलेंगी उनकी वीडियो मिलेंगी, और वो भी हिंदी में और इंग्लिश में मिलेंगी। आप लोग किसमें लर्न करना चाहते हैं, किसमें स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग खुद से जो है सिलेक्ट कर सकेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पे UPSC 2020 फ्री सीरीज को अगर आप लोग देखना चाहते हैं उनकी वीडियो को, सभी वीडियो को, तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सभी वीडियो को देख सकेंगे दोस्तों। मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मिल जाएगा शेड्यूल, उसके बाद कंटेंट्स। यहाँ पर दोस्तों आप लोग कंटेंट्स के हिसाब से जो है सर्च कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर शेड्यूल के हिसाब से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स दिखाई देंगे, जैसा कि जो चला था जो है 9 अप्रैल को, उसके बाद में यहाँ पे 8 अप्रैल को, उसके बाद 7 अप्रैल को, उसके बाद 6 अप्रैल को, यानी कि कंटिन्यू क्लासेस इसमें चली हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर जो है चला था दोस्तों UPSC 2017 क्वेश्चंस विद डिटेल्स सॉल्यूशन, यानी कि जो क्वेश्चन 2017 में UPSC में UPPCS में आया था दोस्तों,
तो उसके जो है फुल डिटेल्स जो है और उसके सोल्यूशन के साथ यहाँ पे सर ने जो है समझाया है, और ये पार्ट 7 है दोस्तों। तो उसी तरह से जो है आप लोगों को यहाँ पे पार्ट 6 मिल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे पार्ट 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे तो पार्ट 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आएंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से मिलते जाएंगे पार्ट। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 मिला, उसके बाद में यहाँ पे पार्ट 7 मिला, यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों को मिल जाता है 31 मार्च 2020 को। अभी 31 मार्च 2020 को जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो है क्वेश्चन और डिटेल्स और सॉल्यूशन जो है यहाँ पे पार्ट नंबर 7 में मिले हुए हैं। आप लोग अगर पार्ट नंबर 1 से जो है देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे पार्ट 1 मिल जाएगा। पार्ट 1 मिलने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल करके अप जाएंगे यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके बाद पार्ट 2 मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 मिल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे पार्ट 4 मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल वाइज जो है अपने सारे पार्ट को आप लोग देखते और क्लियर करते जाएंगे रिसेंटली एग्ज़ाम को दोस्तों। सो दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे अपकमिंग लाइव क्लासेस की, जो क्लासेस अभी जो है आने वाली हैं तो मैंने उनके बारे में बता दिया और जो है रिमाइंड भी करके हम लोग रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे जो है रिसेंटली यानी कि रिसेंट क्लासेस मिल जाएंगी, तो रिसेंट क्लास के बारे में भी मैंने बताया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन थे उतने भी सारे ऑप्शन को मैंने क्लियर कराने की जो है पूरी तरह से कोशिश की है और क्लियर भी करा दिए हैं हम। सो दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, और दोस्तों अगर वीडियो हमारा ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और फिर दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पे जो है एक ऑप्शन बच रहा है और यहाँ पे जो ऑप्शन बच रहा है दोस्तों यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया, व्यू क्लासेस के बारे में भी बताया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी चैट शुरू होती है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ रहा, हाय किशन वांट टू क्रिएट पोस्ट। अगर आप लोग अपनी कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी जो है टॉपिक अगर आप लोग पोस्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जो है कोई भी टॉपिक पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और अगर किसी ने क्वेश्चन जो है पुटअप किया है तो आप लोग अगर आंसर देना चाहते हैं तो उसका आंसर भी यहाँ पे क्लिक करके आप लोग राइट कर सकते हैं, उसके बाद में सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेमंत कुमार, ये हेमंत जी हैं जो कि जो है 18 hours एगो जो है इन्होंने पोस्ट किया था UPSC एंड स्टेट सर्विस में, जिस एग्ज़ाम को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है BPSC स्टडी मटेरियल के बारे में, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा डिटेल में। अगर आप लोग इनको जो है आप वोट करना चाहते हैं यानी कि लाइक करना चाहते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इनकी पोस्ट को आप वोट करेंगे यानी कि लाइक करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग उसको कमेंट करना चाहते हैं उस पर तो आप लोग इस पर कमेंट पर क्लिक करके सिंपली कमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद में अगर आप लोगों को शेयर करना हो तो इस पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग अगर स्क्रॉल करके नीचे आते रहेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है उन स्टूडेंट की लिस्ट मिलेगी या उन स्टूडेंट के जो है आप लोगों को पोस्ट पढ़ने को मिलेंगे जिन्होंने जो है UPSC एंड स्टेट सर्विस को सिलेक्ट करके उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कमेंट किए हैं या फिर आंसर दिए हैं। सो दोस्तों सब कुछ ये क्लियर होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा होम, उसके बाद में आपको मिल जाएगा प्रिपेयर, उसके बाद में डाउट्स, उसके बाद में टेस्ट 3, उसके बाद में क्लास रूम। तो वन बाय वन करके मैं इन सारे ऑप्शन को आप लोगों से जो है क्लियर करवा देता हूँ। तो होम के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके बाद में हम लोगों को प्रिपेयर में क्लिक करना होगा। प्रिपेयर में क्या होगा हम लोग देख सकते हैं, प्रिपेयर में क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे अटेम्प्ट क्विज, यानी कि जो क्विज हमको प्रयास करना चाहिए या प्रयास किए हैं यहाँ पे जो है उन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रीवियस YRS पेपर्स, यानी कि जो पेपर्स अभी जो है प्रीवियस यानी कि हाल ही में रिसेंटली जो अभी क्लियर हुए हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस टॉपिक्स, आप लोग जो है किस टॉपिक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके जो है अपने प्रैक्टिस टॉपिक को देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा नोट्स एंड PDF का, आप लोग जो है अपने नोट और PDF को भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम अलर्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग अगर रिमाइंड करके रखेंगे तो उन एग्ज़ाम की लिस्ट यहाँ पे देख सकेंगे, जैसा कि मैंने अभी जो है पहले आप लोगों को बताया है कि किस तरह से
अपने एग्जाम को रिमाइंड करके रखेंगे। सो दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा थ्री वीडियो सीरीज, वीडियो की जो है थ्री सीरीज को जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सिंपली ये सब जो है अपकमिंग लाइव क्लास, रिसेंट क्लास, ये सब जो है दोस्तों हम आप लोगों से जो है ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं डाउट्स वाले ऑप्शन पे। डाउट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे ऐड आएगी तो ऐड कट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सिंपली मिल जाएगा, अगर आपको कोई डाउट्स है यानी कि आपके पास कोई कमेंट्स है या कोई जो है क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो है क्वेश्चन टाइप करेंगे। अगर आप लोगों के पास इमेज वाला क्वेश्चन है तो आप लोग ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और बाय इमेज जो है आप लोग अपना क्वेश्चन आस्क कर सकेंगे, पूछ सकेंगे। उसके बाद में यहाँ पे माय डाउट्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने कितने सारे जो है डाउट्स अपने क्लियर करवाए हैं यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपने डाउट्स को भी देख सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे फिल्टर बाय सब्जेक्ट्स, आप जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि छानबीन कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे तो काफ़ी कुछ जो है मिल जाएगा ऑप्शन देखने को। यहाँ पे देखिए लोगों ने जो है बाई इमेज जो है अपने क्वेश्चन को जो है पूछा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ जो है पूरी तरह से क्लियर करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा टेस्ट सीट। टेस्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो सीट को जो है हम अपने चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेस्ट सीट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मिल जाए रिकमेंडेड एग्ज़ाम्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है और सारे एग्ज़ाम को यहाँ पे देख सकेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अनलॉक ऑल टेस्ट, अगर सभी जो है टेस्ट को आप लोग जो है अनलॉक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और जो एग्ज़ाम फ्री होंगे उनको जो है आपको जो है पैसा भी देना रहेगा तो आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आप लोगों को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएँगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप लोगों को मिलेगा अनलॉक ऑल 90 प्लस मॉक टेस्ट, अगर आप लोग जो है 90 प्लस यानी कि 90 प्लस एग्ज़ाम को जो है टेस्ट को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और उनको जो है देख सकेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा मोर एग्ज़ाम्स का, आप जो है और अधिक एग्ज़ाम के बारे में देख सकेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इन्वाइट एंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन और ये सब का ऑप्शन मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लासरूम का ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लासरूम ऑप्शन को भी आप लोगों से क्लियर करवा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्लासरूम के बारे में मिलेगा, यहाँ पे ऑल कोर्सेज मिलेंगे। उसके बाद है प्रखर UPSC EPFO 2020, तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है क्लास का जो है मिल जाएगा नाम। उसके बाद में यहाँ पर जो है A4 मंथ मास्टर क्लास मास्टर कोर्स बैच 6, ये बैच 6 का जो है क्लासरूम है, तो आप लोग यहाँ पे आने के बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है लिमिटेड सीट अवेलेबल हो रही इनरोल नाउ, यहाँ पे जो है लिमिटेड क्लासेस की जो है सीट अवेलेबल होती है, तो आप लोग जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगा 175 लाइव क्लासेस PDF फॉर कम्प्लीट कॉन्सेप्टल क्वालिटी, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 175 लाइव क्लासेस से ज़्यादा जो है मिलेंगी और उनके जो है PDF भी मिलेंगे नोट्स के, तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जितने भी काफ़ी कुछ दिए गए ऑप्शन आप लोग इसको रीड करेंगे एंड लर्न करेंगे, उसके बाद में आप लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को व्यू कोर्सेस का ऑप्शन मिलेगा, तो व्यू कोर्स पर क्लिक करके आप लोग जो है उस कोर्स को देख सकते हैं। दोस्तों कोर्स यूजली यानी कि अक्सर इंग्लिश में और हिंदी में रहेंगे तो आप लोग उनको देख सकेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करके आएंगे तो आप लोगों को जो है सेमेस्टर के उसके बाद में यहाँ पे जो है बैच के यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखा देंगे, तो आप लोग उनके हिसाब से देख सकेंगे और रीड कर सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों VR पर क्लिक करेंगे तो और भी जो है आप लोगों के सेमेस्टर बैच और क्लासेस दिखाई देंगी, तो आप लोग उनको भी देख सकेंगे दोस्तों और सीख सकेंगे। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को जो है काफ़ी बेहद पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे और वीडियो
को लाइक करके जाएंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो पे नाइस प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर जाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमें जो है सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के सामने और इसी तरह से और अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ।